गीता जयंती के महोत्सव पर श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। वागवर वेद विद्या परिषद और रामानंद सरस्वती वेद पाठशाला के तत्वावधान में शुक्रवार को गोविंद गुरु कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना में हुए इस महोत्सव के मुख्य अतिथि जीजीटीयू के कुलपति प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी ने कहा कि भगवद गीता सर्व धर्म संभाव और वसुदेव कुटुम्बकम की पोषक है, यह सभी धर्मों का आधार है। वर्तमान कोविड महामारी के कारण उपजे वैश्विक नकारात्मक माहौल में गीता हमें संबल देती है और कोविड महामारी के कारण उपजे वैश्विक नकारात्मक माहौल में गीता हमें संबल देती है और अवसाद को परास्त करने का संदेश देती है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए गीता जैसा अन्य कोई ग्रंथ विश्व साहित्य में नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में भगवद गीता को जोड़ा जाएगा। संस्कृत के मंत्रों से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्होंने संस्कृत विदों से संरक्षित पांडुलिपियों पर शोध किए जाने का भी आह्वान किया और कहा कि वेद विद्यापीठ के सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाएगा। उपस्थित वेदज्ञों ने समवेद स्वरों में शुक्ल यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त का गान कर समा बांध दिया। गीता जयंती महोत्सव में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के 80 वेद विज्ञों और गीता समुपासकों ने भाग लिया। समारोह में कोविड की पूर्ण सावधानियां बरती गई। अस्तित्व सुनने में आता है, वैसे वाष्कल शाखा का भी दक्षिण भारत में सुनने में आता है। शुक्ल जहां ले जा रहा हूं आपको, कि पुट पुट का उच्चारण करते हैं अपन, पुट पीयूटी स्पेलिंग, उसमें भी यू आ रहा है बीच में और कट में भी यू आ रहा है, तो वह अगर आपने वहां पर पुट किया तो। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है, अतः इस मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में भगवद गीता जयंती पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है। बांसवाड़ा जो कि लघु काशी कहा जाता है, लोड़ी काशी कहा जाता है, वेद विद्यापीठ के जो भविष्य के जो प्रस्तर है नींव के, उनको सबको बुलाया है और संस्कृत संभाषण, वेद विद्या और भगवद गीता जयंती, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के सौम्य सूत्र हैं, इसके माध्यम से किस प्रकार हम हमारे बांसवाड़ा को पूरे भारतवर्ष का केंद्र बनाएंगे वेद विद्यापीठ के रूप में, उसके लिए आमंत्रित किया है। अभी उसका माननीय कुलपति महोदय का आशीर्वचन बाकी है। कार्यक्रम में केवल बांसवाड़ा ही नहीं, बांसवाड़ा के सुदूर गांवों में संस्कृत संभाषण के केंद्र खोले जाएंगे। हम संस्कृत को लोकभाषा, जनभाषा बनाने के लिए कृत संकल्प हैं और इसके साथ साथ वेद विद्या के, जो हमारे यहाँ शुक्ल यजुर्वेद की शुभ्र परंपरा प्रचलित है, शंखायनी के भी हमारे यहाँ विद्वान हैं, तो ये पाठ परंपरा, शुद्ध परंपरा बनी रहे, उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। बात केवल 2012 की है, गुरु महाराज मंदिर में शंकराचार्य जयंती का दिवस था और उस दिन उदयपुर से मेरे साथ धीरज शर्मा आए थे और दीपक द्विवेदी जी थे शायद। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि अपन शंकराचार्य जयंती मनाते हैं, आप आ सकेंगे क्या? मैं इनका अवश्य आऊँगा, मेरे नागरवाड़े में जब यदि हो रहा है तो मैं अवश्य आऊँगा। और हम आए और उसके बाद ये कल्पना, अचानक ये विचार आया कि एक वेद विद्यापीठ की बांसवाड़ा में आवश्यकता है। उस समय मैं कुलपति तो सुखड़िया विश्वविद्यालय का था, जिसके बाद एक वेद सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे और एक इंडियन वाजपेयी और भी कई लब्ध प्रतिष्ठित देश के बड़े विद्वान आए थे। मेरा ये मानना है, राजेश जी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ, हमारे विश्वविद्यालय में किस प्रकार से गीता को कहाँ पढ़ाया जाए और उसमें क्या सिलेबस रखा जाए, इसके लिए आप तय करके आप।